हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आए बोला अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, अभी अभी सुबह के बज रहे हैं, 10 बज चुके हैं। आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, अभी बस हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, अपने घर में ही है, बस आंगन में है। और तो चलिए, आप सब मेरे ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिएगा, और जो जो मेरे ब्लॉग पे न्यू है वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आप सब मेरे ब्लॉग पे बने रहें। आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और तो फ्रेंड्स, अभी जा रहे हैं हम मक्के कोड़ने के लिए। और तो चलिए, आप सबको उधर का नज़ारा दिखाएंगे। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये रहा मेरा कुदाल। चलिए अब जा रहे हैं कोड़ने के लिए, क्योंकि फिर शाम का टाइम, बारिश का मौसम है, सूख गया है बारिश अब, तो अब मक्के उके कोड़ने का लायक हो गया है। अब जा रहे हैं कोड़ने के लिए, तो आप सबको उधर का नज़ारा दिखाएंगे। आजकल बहुत ही प्यारा प्यारा मक्के सब बोए थे, वो सब का बीज आ चुका है। और चलिए, आप सबको दिखाएंगे। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये रहा मेहंदी। मेहंदी का देखिए पेड़ है, बहुत मोटा था, तो देख सकते हैं ये वाला बहुत मोटा था। ये वाला मेरे मम्मी काट दी है, और देख सकते हैं इसका कितना अच्छा दिख रहा है, जब हाथ में रचते हैं वही वाला मेहंदी है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। एक दिन इसको हम लोग तोड़ के और सिलवट पे पीस के लगाते हैं, बहुत ज़्यादा लाल होता है, तो देख सकते हैं कितना सारा है, बहुत है। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, एक इतना बड़ा हो गया है। अब और थोड़ा दिन के बाद ये रोपाई करने का लायक हो जाएगा, तो देख सकते हैं कितना मस्त है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और हरा हरा भरा बहुत सारा दिख रहा है, इधर सब कोई मक्के लगाया है, तो देख सकते हैं अभी छोटा छोटा मक्के है, तो आप सबको दिखते होंगे। बहुत प्यारा है। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, अब बस आ चुके हैं बाड़ी, और काफ़ी ज़्यादा धूप भी है, और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है थोड़ा थोड़ा। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये रहा मक्के का बाड़ी, देखिए कितना छोटा छोटा मक्के है, अब कोड़ने का लायक हो चुका है। छोटा छोटा मक्के कोड़ने में भी अच्छा लगता है। और तो देख सकते हैं, बस ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा है जो है, तो आप सबको दिख रहा है। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, इधर का व्यू कितना बड़ा बड़ा धान का बीज हो चुका है, और ये दूसरा का है, अब तो रोपाई करने का लायक हो चुका है, तो देख सकते हैं कितना हरा दिख रहा है। और बारिश होता है तो फिर भी बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, इधर का हरियाली बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो देख सकते हैं आप सबको दिखते होंगे। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये वाला बाड़ी हम आए थे कोड़ने के लिए, छोटा सा है, ये वाला बाड़ी कोड़ चुके हैं, तो देख सकते हैं मक्के। और तो फ्रेंड्स जा रहे हैं अब घर मक्के कोड़ के, बहुत सारा धूप हो गया है। और तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अब घर मक्के कोड़ के, और अभी बारिश हो रही है,
और घर आके हम खाना उना अभी खा चुके हैं और अभी बैठे हुए हैं। तो बस अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है क्योंकि बारिश का मौसम था सुबह से और अभी बारिश हो रही है। जब बारिश होता है तो होते रहता है और जब बारिश नहीं होता है तो चला ही जाता है। और इधर हम लोगों को बहुत सारा मक्के अब कोड़ने का लायक हो चुका है और अभी अब तो बारिश हो गया, अब तो कोड़ भी नहीं पाएंगे। इधर का मिट्टी है, थोड़ा सा भी अगर बारिश होगा तो वो पूरा गीला हो जाता है और पानी वही पूरा टिक जाता है, इसी कारण से नहीं कोड़ पाता है। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है अभी। ठीक है, बादल देख सकते हैं कितना घना घोर लगा हुआ है और बारिश बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी बारिश खत्म हुआ है और हम आ गए हैं बाड़ी तरफ। और तो फ्रेंड्स हम लोग के इधर बहुत बड़ा समस्या है, जब बारिश होता है तो होते रहता है और जब बारिश नहीं होता है तो होता ही नहीं है। ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है, अभी बस थोड़ा सा हुआ है जो मक्के उक्के कोड़ा जाए, क्योंकि जो जो बारिश सूख जाता है उसमें तो पानी पड़ना आवश्यक है, क्योंकि पानी नहीं पड़ेगा तो वो मिट्टी बैठ जाता है, गीला नहीं होता है, इसी कारण से सूख सूख जाता है। तो देख सकते हैं इधर ये सब बाड़ी में अभी मक्के नहीं लगा है, ये सब बाड़ी में मिर्ची सब रखता है। और इधर देख सकते हैं ये सब मक्के अभी कोड़ा है नहीं है। और तो फ्रेंड्स हम इधर आए बाड़ी तरफ और बारिश फिर से होने लगा। तो देख सकते हैं हम यहाँ पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है तो जाएगा बारिश तब घर जाएंगे। और तो देख सकते हैं दोना का पेड़ है, हम यहीं पे बैठे हुए हैं। जैसे देख सकते हैं ये मेरा बाड़ी है और तो देख सकते हैं इधर कितना कुछ कुछ है, लकड़ी सब रखे हुए हैं उधर देख सकते हैं। वैसे हम लकड़ी सब ले जाते हैं घर खाना वाना बनाने के लिए, अभी ले जाएंगे क्योंकि अभी ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है, ज़्यादा बारिश होगा तो भींग भी जाएगा तो खाना वाना बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए अभी ले जाएंगे घर। और अब सबको इधर का व्यू दिखा दिए, इधर का नज़ारा जो कैसा है, अभी तो मक्के उक्के छोटा छोटा है और अब तो बस लोग कोड़ ही रहे हैं। और क्योंकि अब जाएंगे हम घर, तो प्लीज़ आज का वीडियो आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो प्लीज़ चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय।